हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मोडल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैन, मे एंड कुड। इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कैन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। कैन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ये सबसे पहले देखते हैं। कैन का यूज़ किया जाता है उसकी कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी हम यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे कैपेसिटी बोल सकते हैं। कैपेसिटी में किया जाता है कैन का यूज, ठीक है। अगर हम कैन मतलब होता है किसी भी चीज़ को कर सकना या कर सकते हैं, ठीक है, या कर सकती है, मतलब कि उसकी कैपेसिटी है वो, ठीक है, तो वो कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है, कैन इसलिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी, हम कैन का मीनिंग होता है कैपेसिटी से। कैन मतलब होता है कुछ कर सकना। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे है एग्जांपल्स, मैं कार चला सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो चला सकता है, उसकी कैपेसिटी है, चला सकता है वो। तो यहाँ पर आई कैन ड्राइव ए कार, तो यहाँ पे कैन क्यों लगाया, क्यों उसकी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी दिखाई गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि वह यह सवाल हल कर सकता है, ही कैन सॉल्व दिस सम। वह उसकी कैपेसिटी बताई जा रही है कि इस वो क्वेश्चन जो है उसको वो सॉल्व कर सकता है, उसकी कैपेसिटी बताई गई है कैन से। और एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कि यहाँ पे वो सकता है का वर्ड है, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी बताई जा रही है कि वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन डू एनी थिंग, आई कैन डू एनी थिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं मे का यूज़। मे का यूज़ हम किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। मे का यूज़ किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, वो भी पोलाइट वे में, ठीक है। रिक्वेस्ट करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए पोलाइट वे में, के पोलाइट वे में हम रिक्वेस्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, मे आई यूज़ योर पेन, इसमें उससे हमने रिक्वेस्ट करी है, ओके। तो इसमें भी क्या होता है कि इसके लास्ट में भी जो हिंदी का वर्ड होता है वो सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, सकता है आता है, सकती है आता है, एंड सकते सकते हैं आता है। तो उसमें भी उसकी रिक्वेस्ट किया जाता है उसमें उससे, और उसकी भी इसमें कैपेसिटी बताई जाती है। तो इसमें इसके मे के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है। मे का यूज़ हम जब भी कर सकते हैं, जैसे बारिश आती है, तो जैसे आज बारिश आती है, ठीक है, आज बारिश आ सकती है, हम इसका जो ट्रांसलेट करेंगे हिंदी, सॉरी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो इट मे रेन टूडे। मे का यूज़ ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, ओके। और माइट एक होता है दूसरा मॉडल, मॉडल होता है दूसरा, तो माइट का यूज़ किया जाता है जब कम पॉसिबिलिटी होती है। इट माइट बी रेन टूडे, मतलब आज बारिश हो सकती है, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें, तो बस हो सकती है, बहुत कम चांसेस है। मे का यूज़ ज़्यादा चांसेस के लिए भी किया जाता है। तो हम अब मे का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मे का एग्जांपल देखते हैं, आप अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मे का यूज़ किया जाता है यू मे गो नाउ। तो यहाँ पे वो यू मे गो नाउ, आप अब जा सकते हैं, ओके। तो इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसमें पूछा गया क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, वो पूछा जा रहा है। अगर हम उसको बोले आप जा सकते हैं, तो यू मे गो नाउ, आप अब जा सकते हैं। यहाँ पे हम मे की जगह कैन भी लगा सकते थे, तो यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक अलग वर्ड में भी हम कैन का यूज़ करते हैं कि परमिशन हम दे देते हैं, तो यहाँ पे हम कैन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पे परमिशन ली जा रही है, मतलब परमिशन ली जा रही है। तो अब हम देखते हैं कुड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। कुड का यूज़ किया जाता है हमें, इसे हम ना ऐसे लिखते हैं कि
कैन का फास्ट, कैन का फास्ट, फास्ट में यूज किया जाता है, कैन होता है ना, कैन, कैन मतलब होता है सकना, सकता, तो वो कर सकता है, इसको हम यूज कर देंगे पास्ट में, वो कर सकता था पहले, है ना, तो वो कर सकता था पहले। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई आई डैश क्रॉस द रिवर, ओके, आई डैश क्रॉस द रिवर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे इसकी कैपेसिटी बता जा रही कि वो रिवर को क्रॉस कर सकता है, तो यहाँ पे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, कैन का, यहाँ पे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, कैन उसकी कैपेसिटी बता जा रही है। अगर मैं दूसरा ही सेंटेंस लिखूँ, जैसे आई डैश क्रॉस क्रॉस द रिवर व्हेन व्हेन When I was young, कि इसमें उसकी कैपेसिटी बताई जा रही है, बट इसको क्या बताया जा रहा है कि वो कर सकता था, when I was young, वो कर सकता था पहले, कैपेसिटी थी उसकी, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम, हमने क्या बताया आपको कि कैन का यूज़, कुड का यूज़ कैन का पास्ट में किया जाता है, तो हम यहाँ पे कुड लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो थी ना, वो ना अब ना पहले थी, अब नहीं है उसकी कैपेसिटी, ठीक है, तो वो पहले कर सकता था, अब वो नहीं कर सकता है, मतलब वो कर सकता था पहले, ठीक है, इसमें बोला गया तो व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, तो उसकी कैपेसिटी तो खुद से ही बताई गई है, बट इसमें पास्ट में बताया गया है, ठीक है, इसमें पास्ट में बताया गया, इसमें प्रेजेंट में जो वो कर सकता है। तो यहाँ पे हमने तीनों देख लिए, कैन, मे और कुड का यूज़ देख लिया हमने। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।